कुछ दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली जो मैंने अरबी है वो छील दी है पूरा, उनसे जो कबाड़ा है सारा निकाल दिया है अलग, और कबाड़ा डाला है दोस्तों मैंने इस साइड, और जो मतलब अरबी है वो डाला मैंने इस साइड। तो देखते हैं पूरी मैंने छील ली है। और गाइस अरबी के काफ़ी व्यंजन बनते हैं, खान पकवान यानी अरबी की सब्जी बोले हम, गुटके बोले, तो काफ़ी चार पांच प्रकार की डिश बनती है अरबी की। तो फर्स्ट शायद जो जितना मुझे पता है वो मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट ये इसको हम डायरेक्टली उबा के खा सकते हैं, दूसरा इसके हम गुटके बना सकते हैं, हम अपनी पहाड़ी भाषा में तो तिल कुचाई भी बोलते हैं, और नॉर्मली अगर इसमें तड़का मारे तब भी खा सकते हैं। बाकी इससे पका के इनसे डबल रोटी बन सकती है शायद, इसको हम पहाड़ी भाषा या जितना मुझे पता है तो बड़े रोटी बोलते हैं अपनी पहाड़ी भाषा में। मतलब जो आटा होता है उसकी जो पीढ़ी होती है उसके अंदर भरा रहता है इसका मटेरियल, और फिर उसको रोटी की तरह बेला जाता है, यानी बड़े रोटी, सीधी सीधी बात। तो काफ़ी चीज़ें इससे बनती है, चावल के लिए दाल भी बन सकती है एक हिसाब से जिसको बनाना है तो। बाकी दोस्तों काफ़ी पकवान बनते हैं इससे। और अब गाइस चलते हैं यहाँ से बड़कोट, धीरे धीरे काफ़ी धूप भी हो गई है, और अभी मेरे को ले जाना गाइस ये बैल, इधर वाला बैल जो मैंने उधर चलाया था शुरुआत में, हमने देखा ब्लॉग में। बाकी गाय इतनी बड़ी बन चुकी हमारी, ये तो गाय है, ये बछली, बछड़ी देखो इतनी बड़ी बन चुकी गाय हमारी बछड़ी, प्यार देखो यहाँ पे। तो चलते हैं गाय यहाँ से, उससे पहले गाय जो अरबी है उसकी पैकिंग कर लेते हैं, तो करते हैं और चलते हैं उसके बाद। फाइनली जो मैंने अरबी है वो पैक कर दी है, बट मेरे को एक दिक्कत होने वाली है दोस्तों रास्ते में, कि जो अरबी है वो मैंने काले वाले बैग में भरना था जो यहाँ पर रखा था, बट उसमें पूरी अरबी आई नहीं, तो ये कट्टे में जाएगी, और कट्टा ले जाना कैसा है अब ये समझ नहीं आ रहा कुछ, क्योंकि मेरे साथ है बैल, तो एक हाथ बैल के रस्सी तो पकड़ूँ कि कट्टा तो पकड़ूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। और वज़न उसका काफ़ी है गाइस, 10 से 15 किलो उसका वज़न काफ़ी होगा लगता है मेरे को, बाकी यहाँ से काफ़ी दूर है तो प्रॉब्लम होने वाली रास्ते में। तो बाकी गाइस चलते हैं यहाँ से बड़कोट के लिए, और मेरे को ले जाना गाइस ये वाला बैल, तो ये यहीं रहने वाला है और ये जाएगा बड़कोट। तो गाइस चलते हैं रेस को, और आजकल बड़कोट में गाइस टूर्नामेंट भी चल रहा है तो उसके मज़े भी लेते हैं थोड़ी देर, और चलो गाइस चलते हैं बड़कोट। तो दोस्तों अभी यहाँ से मैं बड़कोट के लिए चल दिया हूँ, और कट्टा रखा है मेरे को इस प्रकार से, तो काफ़ी वज़नदार कट्टा है भाई, जिसका वज़न लगता है मेरे को 15 से अब 20 किलो का, 20 तो बहुत ज़्यादा हो गया खैर, लेकिन 10 से 15 किलो इसका वज़न है। और आगे बैल जा रहा हूँ कुछ इस प्रकार से रस्सी पे बांध के, तो काफ़ी दिक्कत भी हो रही है ऐसे में, तो गाय सीधे आपको बड़कोट में ही मिलता हूँ, क्योंकि काफ़ी दिक्कत हो रही है चलने में ऐसे में, एक हाथ में फोन पकड़ना, एक हाथ में कट्टा, एक हाथ से बैल। तो गाइस चलते हैं बड़कोट में मिलते हैं आपको। मैं आ चुका हूँ सीधे बड़कोट, और अभी गाइस मैं आ चुका हूँ बुआ के रूम पे सीधे, और बिके कट्टे देने जो कि उन्होंने अभी छाने से लाया, तो डायरेक्ट मैंने यहीं पर लाया। बाकी गाइस बुआ नहीं तारे एक आगे इतना भयंकर डॉगी रखा हुआ है ना, क्या ही बोले। और बुआ जी यहाँ पे देखो, बुआ जी यहाँ पे डॉगी देखो, बुआ बुआ के लिए तो कुछ नहीं करते डॉगी, मैं इतना भोग रहा ना क्या ही बोलेगा इस, तो चलते हैं ऊपर चलते हैं पहले। तो दोस्तों अभी मैं बैक आ चुका हूँ अपने घर पे बुआ जी के घर से, तो मैं डायरेक्टली गया था बुआ जी के घर के पास अरबी का जो कट्टा है उसको देने, तो थोड़ी देर वहाँ रुके बुआ से बातें बुती की, और उसके बाद आ गई थी वापस। तो गाइज आजकल गाँव में टूर्नामेंट भी चल रहा है, थोड़ा सा चलते हैं ऊपर और आपको टूर्नामेंट का अपडेट भी दे देते हैं क्या हो रहा है उधर। बाकी चलते हैं ऊपर ग्राउंड में, और वहाँ पे क्या कुछ हो रहा है, शुरू हुआ है टूर्नामेंट की नहीं हुआ है पता नहीं, अभी जब मैं आया था बड़को तो नहीं हुआ था, बट अब हो गया होगा। चलो गाइस चलते हैं और दिखाते हैं आपको। बाकी गाइस आपको टूर्नामेंट का लाइव मैच मैं आपको दिखाने वाला हूँ, आपने
यूट्यूब चैनल पठकोट ब्लॉग पर। तो वो जब फाइनल डे होगा मैच का, फाइनल दिन होगा, तो मैं आपको अपडेट दे ही दूंगा लाइव मैच का। बाकी चलते हैं गाइस अभी ग्राउंड में और दिखाते हैं आपको उधर का माहौल। तो दोस्तों फाइनली पहुंच गए हैं गांव के ग्राउंड में जहां पे चल रहा है टूर्नामेंट। तो टूर्नामेंट यहां पे 2 तारीख से शुरू हो गया था बट मैं आपको बता नहीं पाया था। और मैं यहां का फाइनल मैच का लाइव शो दिखाऊंगा आपको, तो प्लीज़ जुड़ना। बाकी आपको मैच का अपडेट देखते हैं अभी। पाकिस्तान की तरह और इस बार होती मिस फेल वहां पे वाइड बॉल भी साथ में। और एक नाम अमृत है और अमृत आपको पता है क्या क्या करता है। ये देखें मैंने बोला ही था और 6 रन। जी हाँ, और रुपेंद्र जी हाँ खतरनाक शॉट और बक्का, माफ कीजिए कपिल रावत खेलते हुए रुपेंद्र के लिए। आप इसी तरह खेले और बहुत उमदा शॉट इस बार। और कृपया सुखदेव भाई को बोला जाता है कि आप ध्यान रखें। शाम के 7, तो आजकल काफी जल्दी रात पड़ जाती है और खाने पीने की तैयारी भी कर ही लेते हैं। बाकी गाइस आज के ब्लॉग में आपने देख ही लिया थोड़ा बहुत अपडेट दिया था मैंने गांव से रिलेटेड कि आजकल थोड़ा सा गांव में टूर्नामेंट चल रहा है तो काफी अच्छा माहौल बनता है। ऊपर लंबे लंबे छक्के लगते हैं तो देखने में काफी मजा आता है। बाकी गाइस यहाँ पे जो BA कॉलेज है टटाव में, तो आज वहाँ पे छात्र संगठन चुनाव था ABP और RN के खिलाफ। तो आज यहाँ पे ABP वालों ने अपने नाम किया सीट और ABP यहाँ से विजय हुई। तो सोनी तोमर है कोई एक लड़की, वो जीत गए, तो काफ़ी अच्छी बात है। तो उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई अगर वो मेरे वीडियो देख रहे होंगे। और गाइस बाकी आज का ब्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं और ये दो आ चुके हैं गाइस अभी घूम फिर के। तो बाकी आज आज का ब्लॉग करते हैं यहाँ पे एंड। मिलते हैं आपको जल्दी एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक थैंक यू सो मच। बाय।